करते हैं। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन के बाहर और भीतर जोरदार हंगामा किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के चार विधायकों को 4 अगस्त तक निलंबित कर दिया है। वहीं 2 विधायक को मार्शल से बाहर कर दिया गया है, सदन से बाहर कराया गया है। तो पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पर सड़क से सदन तक संग्राम, सदन के बाहर और भीतर बीजेपी का बवाल। बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर सीएम से मांगा जवाब। बीजेपी के 4 विधायक 4 अगस्त तक निलंबित। करप्शन पर सड़क से सदन तक संग्राम नजर आया। पहले विधानसभा के बाहर, फिर सदन में बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी सदस्यों के इस हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों को 4 अगस्त तक सदन से निलंबित कर दिया। स्पीकर ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, जुल्लू महतो, जयप्रकाश पटेल और रणधीर सिंह को निलंबित किया, जिससे नाराज बीजेपी विधायक वेल में आ गए। अमर बावरी रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए। ऐसे में स्पीकर ने मार्शल बुलाया और मनीष जायसवाल और अमर बावरी को सदन से बाहर कराया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। क्या पिंटू के मामले में सवाल करना गुनाह है? क्या पूजा सिंगल के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पंकज मिश्रा के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पत्थर के मामले में सवाल करना गुनाह है? क्या कोयला के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या बालू के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं उच्च न्यायालय में तथ्य के साथ, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य मांगना क्या गुनाह है? भाई, इतना करोड़ों रुपये आपके घर में, आपके ठिकानों पर मिल रहा है, आपके लोगों के ठिकानों पर, तो बताना चाहिए ना कि उसमें आपके कितना हिस्सा है कि आपके हिस्सा नहीं है। आप कुछ तो बताएंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप लगा दिए। पहले 4 विधायकों को निलंबित करने और फिर 2 विधायकों को मार्शल आउट करने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए और स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के संचालन के लिए इस फैसले को उचित करार दिया। हम लोग 4 माननीय विधायक को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, कहीं न कहीं ये स्पीकर महोदय सरकार के भ्रष्टाचार को सुनना पसंद नहीं करती है, और ये इनके आज जो निलंबन हुआ है, इसे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं स्पीकर महोदय पूरे सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहा है, जबकि उनको विपक्ष का भी संरक्षण देने का काम करना चाहिए। जब आसन को ये महसूस होता है कि संसदीय व्यवस्था और आसन के साथ आप यू कहिए न्यूड शब्द में अगर मजाक हो रहा है, जब आसन आहत होता है तो आसन को मजबूरन इस तरह का कार्रवाई करना पड़ता है। वहीं सदन में प्रदर्शन और हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने इसे बीजेपी की सुनियोजित साजिश करार दिया। ये लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से बोलना नहीं चाहते। वो जो है जो मुद्दा भटकना चाहते हैं और वो बेल मर आ जाते हैं, और लोकतंत्र का ऐसा भी है, पार्लियामेंट में हम तो देखते हैं, और इस तरह का इसके पहले भी हुआ झारखंड में, यही बात नहीं है। झुग्गी झोपड़ी तबला बजाने के लिए सदन नहीं है, जन मुद्दा उठाने के लिए, निष्पादन करने के लिए सदन है। मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन सुखाड़ के मुद्दे पर हंगामा हुआ, जबकि तीसरे दिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बवाल हुआ। यही नहीं, अब 4 विधायकों के निलंबन पर आगे भी हंगामे के ही आसार हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा है। विधानसभा स्पीकर ने 4 बीजेपी के विधायकों को 4 अगस्त तक निलंबित किया, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था, और तीसरे दिन जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया कि राज्य की सरकार जो है वह खनिज संपदा की लूट में संरक्षण दे रही है, और
यहाँ पर जो खनिज संपदा है उसको कहीं न कहीं इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है कि वह राजस्व की क्षति पहुंचा रही है। इसलिए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि जब से यह सरकार बनी है तब से ये लूट का काम चल रहा है और इसमें सत्ता का संरक्षण कथित रूप से प्राप्त है। तो इस सदन के अंदर भी जब कार्रवाई शुरू हुई तब भी ये स्थिति देखी गई। बीजेपी के विधायक सदन में खूब हल्ला हंगामा किए। ऐसी स्थिति आ गई कि स्पीकर को चार विधायक बीजेपी के उन्हें निलंबित करना पड़ा। जेपी भाई पटेल, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही और ढुल्लू महतो को अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया और वे 4 तारीख तक के लिए निलंबित रहेंगे। इस विषय पर अध्यक्ष ने कहा कि ये जो निलंबन हुआ है सदन की मर्यादा को संरक्षित करने के लिए यह कदम उठाए गए, जो संविधान में प्रावधान है और उसी का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे दुखी है कि किसी भी विधायक का निलंबन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाध्य होकर कदम उठाना पड़ा। इसके बाद भी हल्ला हंगामा होता रहा कि निलंबन जो है यह ठीक नहीं है और यह अनुचित कदम उठाया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार के तहत सदन के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में तब अंत में 2 विधायक बीजेपी के जो हैं मनीष जायसवाल और अमर कुमार बावरी, इन्हें मार्शल आउट कराया गया। इसके अलावा आप देखें कि सदन में कार्रवाई चलती रही, विपक्ष ने बायकॉट कर दिया, उसके बाद भी सदन की कार्रवाई चलती रही, आवश्यक चर्चा होती रही। सरकार की ओर से भी जवाब आया और तमाम चीज़ों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा, सत्ता पक्ष के लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अंत में जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चीजें सामने हैं वो तमाम जानकारी राजेश आपका। तो ये बीजेपी के 4 विधायक जिन्हें 4 अगस्त तक विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, वेल में आकर हंगामा करने पर और सदन की कार्रवाई बाधित करने पर इन्हें 4 अगस्त तक निलंबित किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।